पेपर लीक का बिहार मॉड्यूल, जहां नीट धांधली मामले में बिहार की सियासत काफी तेज है। राज्य के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अब से करीब एक घंटे पहले मीडिया के सामने आकर तेजस्वी लालू तेजस्वी के पीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा के मुताबिक तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने ही मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के भतीजे अनुराग यादव के लिए गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। डेप्यूटी सीएम ने कॉल डिटेल्स का भी हवाला दिया, पेपर साथ में लेकर आए थे जो आपको बगल में दिखा भी रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है प्रीतम जीपीएस टू, ये सारी कॉल डिटेल्स। अब इस मामले में तीन कर्मचारी सस्पेंड भी किए गए हैं। विजय सिन्हा के मुताबिक सिकंदर यादवेंदु का लालू और तेजस्वी से करीबी संबंध है। उनका आरोप है कि रांची जेल में जब लालू बंद थे तो सिकंदर लालू की खातिरदारी में लगा रहता था, तो पीएस के बहाने तेजस्वी पर यह साफ निशाना। बीजेपी के जो आरोप है, तेजस्वी के पीएस ने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया, ये कॉल डिटेल्स भी दिखाया गया। क्या कुछ कहना है विजय कुमार सिन्हा का, आपको हम सुनवाएंगे। सिकंदर कुमार यादवेंदु रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जे ही है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया, और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच। तो देखिए जरा, मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंद्र का जो कबूल नामा है, अब ये देखिए सभी अभ्यर्थियों से 40-40 लाख लेन देन की भी बात हुई थी, इसमें बहुत सारी जो डिटेल्स हैं, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और खुलासे हो रहे हैं, और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अमित, नीतीश ने 24 घंटे पहले संपर्क किया, आप देखिए जरा नीट धांधली में तेजस्वी पर जो निशाना है, कनेक्शन कैसे आता है, देखिए जरा। तेजस्वी यादव नेता आरजेडी के हैं, अब प्रीतम कुमार कौन है, तेजस्वी के पीएस हैं। देखिएगा जरा आगे कड़ियां जब अगर जुड़ रही हैं, अब प्रीतम कुमार का रिश्तेदार कौन, सिकंदर यादवेंदु, बीजेपी का ये आरोप है। यानी कि घुमाकर जो तीर है वो कहां पर पहुंच रही है, अब देखिए जरा। तो तेजस्वी यादव पर बीजेपी और जेडीयू हमलावर है। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वही जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी हमला बोला है। नीट परीक्षा के मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा स्वतः जांच कर रही है, विपक्ष ने कोई आवेदन नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया, और माननीय तेजस्वी यादव जो ट्विटर बबुआ है, हर सवाल पर तो अपनी ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इस पर वो क्विट कर गए हैं। तो हमने नजर में डाला है कि माननीय प्रीतम, माननीय कहने में भी दिक्कत लगता है, परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो, और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं, और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। और देखिए, आज जब बिहार के डिप्टी सीएम मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए तो उस स्टाफ को भी साथ लेकर आए जिसे आरोपों के मुताबिक तेजस्वी के पीएस ने गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए फोन किया था। उसने मीडिया को क्या बताया, आपको सीधा सुनवाते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं संविदा पर। आप कस करके बोल दीजिए, इसको ना बोलिए ना, दूसरे विभाग से आए हैं। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर एक तारीख को रात में, फिर उन्होंने दोबारा चार को कहा था, हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनिक अविंदा कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, उन बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे, और हमने अधीक्षक अविंदा को भी बता दिया था। जनरल अकाउंटेंट का किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं, इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। एनएचए की कुछ वहाँ पर लोग हैं उसको, हाँ
वो जेई है। हाँ, जेई है। ठीक है, जरूर।